हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी एंड क्रंची मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज। तो चलो देखते हैं क्रिस्पी एंड क्रंची मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें लेना है एक आलू, जिसके हमने ऑलरेडी फ्राइज के शेप में काट दिया है कुछ इस तरह से। इस तरह का शेप आने के लिए आपको आलू कैसा काटना है मैं बताती हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, जब हम पील करने के बाद इसे चारों एंड से साइड में काट देना है और फिर उसके ऐसे टुकड़े हमें बनाने हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो उसे 2 घंटे के लिए चिल वाटर में हमें भिगो के रखना है, जिसे मैंने ऑलरेडी भिगा दिया है और अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। दो घंटे हो चुके हैं, अब हम ये पानी पूरा निकाल देंगे, इसे पूरी तरह से ड्रेन कर देंगे। ये देखो इस तरह से, और फिर उसे हमें एक पेपर टॉवेल में निकालना है और पूरी तरह से ड्राई करना है, अच्छी तरह से पूरी तरह से हम इसको ड्राई कर देंगे और फ्रिज में रखेंगे। एक तरफ हम कढ़ाई में तेल गरम करने रखेंगे। चलो देखते हैं अभी हमारा तेल गरम हो चुका है कि नहीं, चेक करते हैं। ये गरम हो चुका है, बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसमें फ्राइज डालेंगे। ये हमें पूरी तरह से फ्राई नहीं करने हैं, इसे हमें हाफली फ्राई करना है, बस 2 मिनट के लिए। हो चुके हैं, अब हम इसे निकालेंगे। और फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और फिर उसके बाद 10 मिनट्स के बाद उसे हम बाहर निकाल के वापस डीप फ्राई करेंगे कम्प्लीटली। हो चुके हैं, अब हम फ्राइज को फाइनली फ्राई करेंगे। आप सर्व करने के पहले भी इसे फ्राई करके दे सकते हैं, 10 मिनट से ज्यादा भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। अब ये ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे, सेम एज मैकडॉनल्ड्स। फ्राइज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी हुए हैं, जैसे हमें चाहिए वैसे।
ये देखिए इसका कलर भी सेम मैकडॉनल्ड्स के जैसे गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखो हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक टॉस करेंगे। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी हुए हैं। आप ज़रूर घर में ट्राई करना। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये हुए हमारे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी टू ईट सेम एज़ मैकडॉनल्ड्स।